आपने ये बिल्डिंग बाहर से हमेशा देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये बिल्डिंग के अंदर क्या है? हम जब भी यहाँ से पास बाय करते हैं, हमारी नजर है ना ये बिल्डिंग पे एक बार जाती है। पहले के जमाने में ब्रिटिशर्स का यहाँ पर फर्स्ट क्लास लाउंज हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर रेलवे के टिकट काउंटर्स है यहाँ पर। बिल्डिंग के है ना नॉर्थ बालकनी में आ चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हो जो बाहर से आपको पूरा CST रेलवे स्टेशन का व्यू दिखता है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको ग्रैंड स्टेयरकेस कहा जाता है ये बिल्डिंग के। और ये स्टेयरकेस देखो बिना सपोर्ट के यहाँ खड़े हैं। डोम देख रहे हो ना, ये जो बाहर से आप डोम देखते हो ना, हम उसी के नीचे खड़े हुए हैं। हाय गाइस, अभी हम लोग हैं मुंबई के CST स्टेशन के बाहर। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, आपने ये बिल्डिंग बाहर से हमेशा देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये बिल्डिंग के अंदर क्या है? तो ये बिल्डिंग के अंदर ले जाने वाला हूं और अंदर से मैं आपको ये पूरा टूर देने वाला हूं। आपने ये बिल्डिंग को जब बाहर से देखा होगा ना, तो आपने हमेशा सोचा ही होगा कि ये बिल्डिंग के अंदर से क्या है, अंदर से क्या क्या चीजें है इसकी। तो आज के ब्लॉग में फाइनली मैं आपको अंदर से इसका पूरा टूर देने वाला हूँ, अंदर दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं और मैं सारी डिटेल्स देता हूँ, आप लोग कैसे विजिट कर सकते हो ये बिल्डिंग के अंदर। तो देखो ये है CST बिल्डिंग का ये ओवरव्यू, आप देख सकते हो काफी ये आइकॉनिक हेरिटेज बिल्डिंग है अपने मुंबई की। हम जब भी यहाँ से पास बाय करते हैं, हमारी नजर है ना ये बिल्डिंग पे एक बार जाती है। वाला जो गेट है ना, ये मेन गेट है CST स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। तो चलो अभी हम चलते हैं यही तरफ से अंदर की तरफ और मैं आपको इसका अंदर से ना पूरा टूर अभी देता हूँ। इस टाइम पर ये बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल रेलवे की हेडक्वार्टर्स है और जो भी रेलवे के ऑफिसर्स है ना, उनकी यहाँ पर ऑफिसेस है। यही तरफ से हम जा रहे हैं आगे की तरफ और देख सकते हो पास से ये बिल्डिंग है ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और ये बिल्डिंग को 1887 में ब्रिटिश इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम ने बनाया था और इसका आर्किटेक्चर भी इंडो सैरसेनिक गोथी स्टाइल का किया गया। और ये तरफ से हम जा रहे हैं ये ग्रैंड स्टेयरकेस के पास। आप ये स्टेयरकेस देख रहे हो ना, इसको ग्रैंड स्टेयरकेस कहा जाता है ये बिल्डिंग के। और ये स्टेयरकेस देखो बिना सपोर्ट के यहाँ खड़े हैं और ये ऊपर की तरफ आप जो ये डोम देख रहे हो ना, ये जो बाहर से आप डोम देखते हो ना, हम उसी के नीचे खड़े हुए। ये ऊपर वाला वही डोम है जो आप बाहर से मेन डोम देखते हो। और फिर ये तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ तो एक मिनिएचर मॉडल बना हुआ है। तो ये मॉडल है ना, ये CST स्टेशन का रेप्लिका यहाँ बना हुआ है। पीएम मोदी का ये विजन है कि उनको ये CST स्टेशन और उसके आसपास की सराउंडिंग वापस से रीडेवलप करनी है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और ये ग्रैंड स्टेयरकेस है ना बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। ये बिल्डिंग के अंदर भी है ना जितने भी सारी चीजें है ना, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट से लाई गई है। जैसे ये विंडोज पर आप मार्बल देख रहे हो, ये राजस्थान की मार्बल्स है। और फिर ये स्टेयरकेस भी है ना, ये देख सकते हो बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पर दीवार के ऊपर खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पिलर्स नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि ये जो स्टेयरकेस जितने बाहर की तरफ है ना, उतने ही स्टेयरकेस ये दीवार के अंदर भी है। और ये ग्रैंड स्टेयरकेस के बराबर ऊपर की तरफ ही ये बाहर वाला डोम है, जो कि इसके ऊपर कुछ तो कलरफुल मार्बल्स या मिरर्स लगी हुई है। और हम पहुंच गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे और आप देख सकते हो यहाँ ये बालकनी से हमें ये पूरा सामने का रोड का व्यू दिखाई दे रहा है। हमेशा हम सामने की तरफ से तो ये बिल्डिंग को देखते ही थे, लेकिन आज यहाँ पर खड़े होकर ये बिल्डिंग को देखना एक अनरियल चीज है हमारे लिए। और हम यहाँ से आगे की तरफ आए ना, तो मैं आपको ये तरफ दिखा देता हूँ। ये जो आप देखते रहे हो, ये है रेलवे का टिकट काउंटर। आपने भी कई बार यहाँ से लोकल की टिकट्स ली होगी। और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, ये रियल की गोल्ड प्लेटेड चीज है और ये एरिया को है ना स्टार डोम कहा जाता है यहाँ का। पहले के जमाने में ब्रिटिशर्स का यहाँ पर फर्स्ट क्लास लाउंज हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर रेलवे के टिकट काउंटर्स है यहाँ पर। आपने कई बार टिकट लेते वक्त ये एरिया को नीचे से तो देखा ही होगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपको ये ऊपर से भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हो हम लोग ये बिल्डिंग के है ना नॉर्थ बालकनी में आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो जो बाहर से आपको पूरा CST रेलवे स्टेशन का व्यू दिखता है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो सारा ये जो रोड का एरिया है, आपको यहाँ से पूरा वो दिखाई देता है। पहले के ज़माने में ये कुछ भी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर सिर्फ कच्चे रोड्स हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जाके ये BMC बिल्डिंग यहाँ पर आई, सामने आराम वड़ा पाँव आया, मैकडोनल्ड्स आए यहाँ, और फिर धीरे धीरे जाकर सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई। सबसे पहले यहाँ पर ये CST स्टेशन की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई थी। और अभी हम वापस नीचे की तरफ आ चुके हैं, जहां पर ये काफी इन्फॉर्मेटिव म्यूजियम रेलवे का बनाया गया है। जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये ट्रेन का मिनिएचर मॉडल है, जो कि पहली ट्रेन बोरीबंदर से लेके थाने तक 1853 में चली थी, ये उसका मिनिएचर मॉडल यहां पर बना के रखा गया है। यहां ये एक रियल पेंटिंग भी रखी गई है, जो कि ये पेंटिंग ये CST स्टेशन की है, जो कि बिल्डिंग बनने से पहले ये पेंटिंग बनाई गई थी। फिर ये पेंटिंग को देखते हुए ये सेम टू सेम ऐसी CST बिल्डिंग ये पूरी यहाँ पर बनाई गई। अभी यहाँ पर और भी काफी सारी डिटेल्ड चीजें यहाँ पर रखी गई है, काफी इन्फॉर्मेटिव है ये म्यूजियम भी वैसे तो। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रैंड स्टेयरकेस जो मैंने आपको दिखाया, ये ग्रैंड स्टेयरकेस का वो बनाने से पहले यहाँ पर उसका मैप बनाया गया था। और यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ और ये आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तरफ आप देखो, ये जो रेलवे में ये ब्रिटिश के टाइम पे फर्स्ट क्लास हुआ करता था ना, वो कुछ ऐसा दिखता था। ये भी कुछ थर्ड क्लास का फोटो है। और देखो ये कुछ यहाँ पर सारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें रखी गई है रेलवे से रिलेटेड। अब जब ये टूर के लिए आओगे ना, तो आपको भी ये रेलवे म्यूजियम पूरा अंदर से दिखाया जाएगा। और यहाँ पर काफी सारे ऐसे मशीन्स भी
रखी गई है। ये देखो, ये टिकट पंचिंग मशीन है जो कि पहले के ज़माने में ये यूज़ किया जाता था, और ये पुराने ज़माने की टिकट, रेल लोकल ट्रेन की टिकट्स कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये टिकट्स और पंचिंग मशीन है ना, हमारे पेरेंट्स ने भी शायद देखी होगी, क्योंकि हम जब भी बॉर्न हुए ना तभी ये बंद हो चुके थे मशीन। और ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक और ट्रैक चेंजिंग का सिस्टम है ना, वो यही है। और फिर ये तरफ सारी ये कटलेरीज रखी गई है, ये रियल सिल्वर की सारी चीज़ें हैं। और ये है ना, ब्रिटिशर्स अपने रेलवे के फर्स्ट क्लास लाउंज में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया करते थे। और भी एक यहाँ पर ट्रेन का ये मिनिएचर मॉडल रखा गया है, जो कि कुछ टाइम पहले तक है ना ऐसे कलर की सारे ट्रेन यूज़ किया जा रही थी अपने इंडिया में। ये जो ट्रेन आप लॉन्ग रूट के लिए स्लीपर क्लास सारे देखते हो ना, ये देखो उसकी तरह ही है, और काफ़ी डिटेल्ड में इसको ये मिनिएचर मॉडल को भी बनाया गया है यहाँ। सो गाइस, मैंने आपको ये बिल्डिंग का पूरा अंदर से तो टूर दे ही दिया, अभी मैं आना आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो ये देखो, ये वाली बिल्डिंग है ना 1887 में जैसे बनी थी, लेकिन उसके पहले ना ये स्टेशन का नाम है ना बोरी बंदर कहा जाता था। बोरी का मतलब होता है कॉटन और बंदर का मतलब होता है पोर्ट। स्टेशन के पीछे की तरफ ही है ना समंदर है, सी कोस्ट पर है ना काफी सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पर, तो ये सारे है ना शिप्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स यहाँ से हुआ करते थे, इसलिए इसको है ना पहले के ज़माने में बोरी बंदर भी कहा जाता था। फिर जब ये स्टेशन ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया 1888 में ये बनकर रेडी हुआ, तभी यहाँ पर इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल्स रखा गया। फिर करीब जाकर हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1996 के बाद है ना यहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जो कि CST हम बुलाते हैं। फिर करीब 2016 में जाकर इसका नाम है ना चेंज किया CSMT, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो देखो इस तरह है ना ये स्टेशन के नाम काफ़ी टाइम चेंजेस भी हुए हैं। और यहाँ पर है ना अपने मुंबई की जो फर्स्ट ट्रेन थी ना, वो भी यहीं से रन की गई थी, वो करीब है ना 1853 में ये बोरी बंदर से लेकर थाने तक रन की गई थी, वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही। और तभी थाने को है ना वो लोग टाना टाना करके बुलाते थे, और वो फर्स्ट ट्रेन रन हुई ना तभी यहाँ पर सिर्फ वो 3 डब्बे वाली ट्रेन रन की गई थी। और ये वाले स्टेशन पर है ना काफ़ी सारे ऐसे ब्रिटिश के आर्किटेक्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। तो लेकिन आप वहाँ पर देख सकते हो, वो जो आप क्लॉक देख रहे हो, क्लॉक के नीचे आप जो खाली पोर्शन देख सकते हो, वो खाली पोर्शन में है ना पहले के ज़माने में क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पर स्टैचू हुआ करता था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट अपनी ऑफिसेज सेटअप कर रहे थे, तभी वहाँ पर ब्रिटिश के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थे ना वो लोग यहाँ पर हटाने लगे थे, तो तभी के टाइम पर ही है ना वो क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू भी यहाँ से हटाया गया। और ये आप फोटोग्राफ देख सकते हो, ये फोटोग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले के ज़माने में यहाँ क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू हुआ करता था। आज के टाइम पे वो क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है ना कहाँ गया, वो आज तक किसी को नहीं मालूम। वरना ऐसे अगर ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ें निकालते थे ना, तो वो लोग अपने इंडियन गवर्नमेंट प्रिजर्व करके रखते थे उसको म्यूजियम में। यहाँ पर जो मैंने आपको म्यूजियम वगैरह दिखाया, वो अभी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर खोला गया है। और अगर आप लोग भी है ना ये CST स्टेशन के अंदर विजिट करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर एक स्पेशल टूर ऑर्गेनाइज होता है। टूर पर जाने के लिए ना आपको यहाँ पर उसकी बुकिंग्स करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिंक बुक माई शो से जाकर आप डायरेक्टली ये टूर बुक कर सकते हो और यहाँ विजिट कर सकते हो। मैं है ना आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मुंबई से हो या फिर बाहर से भी आ रहे हो, अगर मुंबई से हो तो आप बचपन से ये बिल्डिंग को हमेशा देखते होगे जब भी यहाँ पर आए होगे। और हमारे मन में अब ये एक बात हमेशा रहती है कि ये बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, कैसी दिखती होगी, तो वो जानने के लिए है ना वो आप टूर एक बार जरूर करना। वैसे हालांकि मैंने आपको ये वीडियो तो दिखाया, लेकिन वीडियो में ना इतना जस्टिस नहीं करता है, काफ़ी सारी और भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाई है, लेकिन वहाँ पर हमारे गाइड रहते हैं, वो गाइड आपको सारी चीज़ें समझाते, तो उसके लिए है ना ये टूर एक बार जरूर करना। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस, स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट द रॉन्ग थिंग्स। See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.